असलम दिस इज़ हुमैना हुमेन फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज तो आज हम कर रहे हैं मैथ टेन की एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर वन से लेके थ्री तक डेफिनेशन हैं जब तक आप डेफिनेशन को समझ ना लें कॉन्सेप्ट क्लियर ले ना हो तब तक आप याद नहीं कर सकते अगर आप याद कर भी लें बगैर समझे बगैर कॉन्सेप्ट क्लियर किए तो फिर पेपर में आपको भूल जाता है तो हम क्वेश्चन नंबर वन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन डिस्पर्शन से क्या मुराद है डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिकली अब क्या है ये ये से लेके तक एक data set है। इस डेटा सेट में ऑब्जर्वेशन तो इस डाटा सेट में टोटल फाइव ऑब्जर्वेशन है तो इस डेटा सेट में जो फाइव ऑब्जर्वेशन है उनकी स्केटरनेस इंतार और स्प्रेड यानी फैलाओ उस डाटा सेट में जो ऑब्जर्वेशन की फैलाव है या इंतजार है उससे हम मतलब लेते हैं डिस्पर्शन उससे मुराद है डिस्पर्शन तो क्वेश्चन नंबर टू है हाउ डू यू डिफाइन मैयर ऑफ डिस्पर्शन आप इस डिस्पर्शन को मैयर से क्या मुराद है दी मयर्स ऐसे फार्मूलाज ऐसे तरीके डेट आर यूज जो इस्तेमाल होते हैं टू डिटर्मिन द डिग्री जो क्या बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं डिग्री या एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन आ डाटा सेट अब एक डेटा सेट है जैसे एक ये डाटा सेट दिया हुआ है इसमें वेरिएशन की डिग्री या एक्सटेंट को बताने के लिए जो मैयर जो फार्मूलाज या जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं मैयर ऑफ डिस्पर्शन आप क्वेश्चन नंबर थ्री में इससे अगला स्टेप ही है वो कह रहे हैं डिफाइन रेंज स्टैंड एंड वेरियंस अब रेंज स्टैंड डिस्पर्शन को मैयर करने के लिए डिग्री को बताने के लिए अब रेंज रेंज के बारे में क्या है रेंज मैर्स रेंज मैर करता है कैलकुलेट करता है वेरिएशन के एक्सटेंट बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ आ डाटा सेट डाटा सेट के जो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं यानी सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू उनके दरमियान वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट को रेंज मैर करता है इट इज़ गिवन बाई दी फार्मूला इसका फार्मूला क्या है रेंज का फार्मूला है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम एक्स मैक्स से मुराद क्या है सेवन और एक्स मिनिमम से क्या मुराद है

तो स्केयर रूट है और साथ प्लस है आपको पता है स्केयर रूट के साथ प्लस भी होता है माइनस भी होता है लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस है यानी कोई साइन नहीं लगा हुआ तो प्लस का साइन होता है जब प्लस है नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव स्केयर रूट है पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्केयर डेविएशन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन अब मीन क्या है मीन का फार्मूला है बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन यानी कि नीचे एन है ऊपर समेशन है तो समेशन एक्स ओवर एन मीन का फार्मूला है वो कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला स्केयर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्केयर डेविएशन डेविएशन स्केयर स्केयर का क्या मतलब है यानी कि जो वैल्यू है वो स्केयर है उसकी पावर स्केयर है डेविएशन का मतलब है कि वो माइनस हो रहा है स्केयर डेविएशन ऑफ एक्स आई आई से मुराद वन टू थ्री टू एन है यानी जितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं तो वो एक्स है ऑब्जर्वेशन फ्राम देयर अरेथीमेटिक मीन अब अरेथीमेटिक मीन क्या है वो एक्स बार है यानी हमने स्केयर डेविएशन लेना स्केयर पावर स्केयर में है और डेविएशन है यानी बीच में माइनस आएगा और एक्स में से हमने माइनस किया है कि इसको अरेथीमेटिक मीन को जो उसने लिखा हुआ है इन सिंबल्स वी राय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एस डी एक्स भी लिखते हैं और सिंपल एक्स भी लिखते हैं और इसका हमने फार्मूला लगा दिया यानी ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये पूरी फार्मूला बताती है कि पॉजिटिव यानी प्लस में स्केयर रूट स्केयर रूट ऑफ स्केयर्ड स्केयर्ड यानी स्केयर ले लिया है साथ डेविएशन किया है माइनस किया और एथीमेटिक मीन से हमने माइनस कर दिया है और ये फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का उसके बाद है वेरिएंस वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्केयर डेविएशन ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन फ्राम द अरेथीमेटिक मीन यानी वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है सिर्फ यह है कि वेरियंस स्केयर रूट नहीं होता तो यही बात हमने लिखी हुई है कि वेरियंस इज डिफाइंड एट द मीन ऑफ स्केयर डेविएशन ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन फ्राम द अरेथीमेटिक मीन अरेथीमेटिक मीन स्केयर डेविएशन है स्केयर है डेविएशन है और मीन है यानी समेशन ऊपर है और एन नीचे है तो यहाँ एक्स को हम स्केयर लेंगे तो यहाँ स्केयर तो लें तो स्केयर रूट खत्म हो जाता है सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन स्केयर रूट के अंदर है और वेरियंस जो है वो स्केयर रूट के बाहर